नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने तूल पकड़ ली है। अब हर राजनीतिक दल की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर मांग की जा रही है। बता दें कि इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों की मुलाकात न होने को लेकर अब कुछ लोग हैं जो इस पर तंज कसने लगे हैं। खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए ये कहा है कि अब जब नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात ही नहीं की, और तेजस्वी यादव ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान भी बता दिया है। साथ ही साथ अब सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष ने खुद भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने अब खुद भी जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है उसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव जो है प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है इस बारे में भी विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बिहार में अन्य कई राजनीतिक दलों की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर जो है वो मांग की जा रही है, और राजनीतिक दलों का ये मानना है कि बिहार में अगर जाति के आधार पर जनगणना की जाती है तो बिहार सरकार बेहतर स्कीमें बना पाएंगे अपने लोगों के लिए, बेहतर तरीके से लोगों के लिए काम कर पाएंगी और लोगों की जरूरत को ज्यादा ठीक तरीके से समझ पाएगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ जातिगत जनगणना पर अभी मोहर नहीं लगाई गई है। तेजस्वी यादव ने भी अपने पत्र में बहुत सारी बातें लिखी और खास तौर पर उन्होंने विधानसभा में इस बात पर चुटकी ली है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर अब तक मुलाकात नहीं हुई और वो इस चीज को नीतीश कुमार का अपमान बता रहे हैं। लेकिन जेडीयू के जो नेता है अब वो इस बात को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त संसद चल रहा है इसीलिए प्रधानमंत्री जो है वो काफी व्यस्त है, इसीलिए उनकी और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो पा रही है। जो भी लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं वो नासमझी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है पूरे मामले की, और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आमतौर पर मुलाकात करते ही रहते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि पत्र लिखने की वजह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हो रही है और उनकी मुलाकात जल्द हो जाएगी, बस प्रधानमंत्री जो है उनके पास अभी फुर्सत नहीं है इन दिनों। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की मांग जो राजद की तरफ से भी अब कर दी है उसे लेकर बिहार में सियासत किस तरीके से बदलती है, किस तरीके के नए बयान सामने आते, किस तरीके से लोग बयानबाजी करते हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या इस बार अब जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस बयान सामने आता है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि केंद्र सरकार जो उसके जातिगत जनगणना पर क्या राय है, क्या विचार है, और क्या वाकई बिहार में या देश में जाति के आधार पर जनगणना कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी। आपको याद दिला दें कि जातिगत जनगणना बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसे लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, और जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच में जो विचारधाराओं में मतभेद है उसे लेकर भी लोग एनडीए के गठबंधन पर कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना एक कारण हो सकता है जिससे एनडीए में दरार पड़ सकती है, जेडीयू और बीजेपी अलग अलग विचारधारा के हैं इस चीज में, इसीलिए हो सकता है कि एनडीए में भी दरार देखी जाए। हालांकि एनडीए के सारे नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना बस एक मुद्दा है जिस पर दोनों पार्टी की विचारधाराएं जो है वो अलग है, इससे ये बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि गठबंधन पर कोई सवाल खड़े किए जाने चाहिए। लेकिन अब यही देखना होगा कि नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बातें कही है, खास तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी अब जो पत्र लिख दिया है उसके बाद राजनीति में किस तरीके के नए बयान सामने आते और इस पत्र पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।